नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। दोस्तों, 2019 की जो समापन और 2020 का जो आगमन हुआ था, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि NRC या CAA को लेके जहाँ पर वो अंत हुआ था 2020 की, वहाँ से शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज मंडी हाउस से जो प्रोटेस्ट का मार्च निकाला गया था, उसमें एक बात जो साफ हुई है वो ये निकल के आ रही है कि जो हिंदू हैं या जो मुसलमान हैं, ये तो लड़ाई थी ही, लेकिन जो ये बात थी कि जो इसमें से ट्रांसजेंडर हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको किस तरीके से उनका जो सर्टिफिकेट या उनका जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, उनको ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये जो ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है, अभी मैं बोलूँगा आपको, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं वो ये डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। आपको क्या कहना है कि इस पर किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ेगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी साफ साफ कि हम ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, मैं तो शायद प्रिविलेज्ड हूँ, अभी तक मैं परिवार के साथ रह रही हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, जो परिवार से धकेल दिए जाते हैं, शोषण होते हैं, उनके पास खुद के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो आप ट्रांसजेंडर जो रोड पे सड़क पे है, जो समुदाय में है, सिजरा या किन्नर कम्युनिटीज़ में हैं, उनके पास, कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अगर होते भी हैं तो उसमें सही लिंग, जो हमारी लिंग है, जो मैं ट्रांस महिला बोल रही हूँ तो महिला वाला लिंग, जो मेरा नाम है वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो सरकार, पहले तो असम NRC जो हुआ था उसमें साफ साफ ये निकल के आया था कि 2000 ट्रांसजेंडर लोग एक्सक्लूड हुए हैं, उनका नाम NRC में नहीं था। जो ओपनली अपने आप को ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसमें से 2000 लोग, जो ओपनली नहीं बोलते हैं उनकी तो बात ही अलग है। और कई ऐसे लोग हैं जो ओपनली भी हैं लेकिन उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा के अंदर घुसना पड़ा जिसमें उनका लिंग और उनका नाम उनके सहमति से नहीं है। जैसे कि मेरा नाम कुछ और है लेकिन मैं कुछ और नाम से जाना जाती हूँ, जो नाम मुझे पसंद है उस नाम से नहीं होगा। तो हमारे पास पहले तो डॉक्यूमेंट नहीं है, दूसरे बात अगर डॉक्यूमेंट है भी तो हम सरकार मान लेती है कि अगले 2-3 साल हम एक सरकारी दफ्तर से दूसरे सरकारी दफ्तर तक हम चक्कर ही काटते रहेंगे कि डॉक्यूमेंट बनाओ, पहले तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो, और डॉक्यूमेंट सही कराओ सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ, और फिर अपने नागरिकता को प्रूव करो, और फिर अगर प्रूव नहीं कर पाए तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। और अगर आप हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं हो CAA नागरिकता कानून के अकॉर्डिंग, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा जल्दी से। तो आपके लिए नियम अलग होगा और बाकियों के लिए नियम अलग होगा। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर कोई LGBT हैं, मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, उनको क्यों नागरिकता नहीं मिल रहा है? LGBT लोग, चाहे वो भारत में हो, हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, कहीं पे भी हमारी परसिक्यूशन हो रहा है, हमारे खिलाफ शोषण हो रहा है। हम कई बार माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह ताकि हम शोषण से भाग सकें, हमें कोई जॉब मिल सके, हम जी सकें, हम सर्वाइव कर सकें, अपने जी जान बचा के भागते हैं भाई। लिंचिंग आजकल भी हमारी लिंचिंग होती है, तो उनको क्यों नागरिकता नहीं मिल रहा है? आपसे, और इस कानून में प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी कहीं नहीं लिखा है, इस कानून में साफ साफ मजहब का नाम लिखा है कि हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, ऐसे ही लिखा है। ये नहीं लिखा है कि आप प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो, क्योंकि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी मतलब LGBT माइनॉरिटी भी है ना, हमें तो नागरिकता नहीं मिल रहा है। क्योंकि सरकार तो बोलेगी कि नहीं, हमारे टर्म पे तो नवतेज सिंह जौहर आ गया, आप लोग पे 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया, हमने जजमेंट अलाउ किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार हमारे बारे में सोचता नहीं है। ट्रांसजेंडर कानून जो आया था एक साल बाद 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बाद, उसमें साफ साफ ये दिखा गया है कि जब तक मैं सर्जरी ना कराऊं तब तक मैं अपना डॉक्यूमेंट को महिला के तौर पे बदल नहीं सकती। तो अगर मुझे डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रखें NRC के नीचे, और अगर मुझे डिपोर्टेशन कर रहे हैं, सर देश से बाहर निकाल रहे हैं, ट्रांसजेंडर है डॉक्यूमेंट में, कौन सा देश मुझे अंदर लेगा? ऐसे कई देश हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो रशिया हो, ऐसे कई देश हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं तो विजिबली ट्रांसजेंडर दिख रही हूँ तो मुझे तो अलाउ ही नहीं करेंगे।
तो ट्रांसजेंडर कानून हो, CAA हो, NRC, NPR हो, सबको एक साथ ही देखना पड़ेगा। अलग से देखने से अपने अपने लड़ाई में, अपने अपने तबकों में सब सीमित रह जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे नहीं और एक साथ लड़ेंगे नहीं सरकार के खिलाफ। जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्व सरकार है, जो ये बोल रहा है ट्रांसजेंडर कानून में साफ साफ कि आप अपना दूसरा नाम बदल नहीं सकते, पहला नाम बदल सकते हो, लेकिन आप ट्रांसजेंडर नहीं हो तो आप पूरा नाम बदल सकते हो, दूसरा नाम हो, पहला नाम हो, क्यों भाई? हम ट्रांसजेंडर हैं तो हमारे लिए अलग कानून, अलग रूल, और ट्रांसजेंडर नहीं है बाकी सब आप हो तो आपके लिए अलग रूल, क्यों? साफ साफ भेदभाव कर रहे हो ना। जो कानून में हमारे खिलाफ भेदभाव को रोकने की बात करना चाह रहे हैं, उसी कानून में हमारे खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं, वही बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी जो सरकार कह रही है, सरकार ये कह रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी कानून, जो भी कानून बना है वो ढंग से उसे स्टडी नहीं किए हैं। वो भी तो स्टडी नहीं किए हैं, अमित शाह जी संसद में खड़े होके बोल रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, ये उनके गृह मंत्री बोल रहे हैं। अमित शाह जी BJP के प्रेसिडेंट नहीं हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं, जो वहाँ संसद में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये आएगा, फिर बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। भाई असम NRC में 2000 ट्रांसजेंडरों को बाहर धकेला गया था, उनका नाम ऐसा NRC में नहीं है, तो हमें तो अच्छे तरीके से पता, उसके रिलेटेड पिटीशन भी है कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसजेंडरों को पता नहीं है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है हम किस लिए लड़ रहे हैं। हम तो 5 साल से ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, मोदी साहब तो उसके लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, वो तो ट्रांसजेंडर कानून तो पास किए जा रहे हैं जो हमारे विरोध है, ट्रांसजेंडरों के विरोध में ट्रांसजेंडर कानून पास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अभी भी समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग भेदभाव करते हैं, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? गाली, सरासर गाली मुझ पे देते हैं, हिजरा शब्द गाली नहीं है। आजकल अगर मुझे कोई हिजरा बोलता है तो मैं तो उल्टा पलट के मैं बोलती हूँ हाँ मैं हिजरा हूँ, क्या फर्क पड़ता है आपको, मैं हिजरा नहीं हूँ, लेकिन मैं हिजरा शब्द को गाली नहीं सुनूंगी। लेकिन गालियां देते हैं, वॉशरूम्स में शोषण होता है, एक निर्भया हुआ पूरा देश सड़क पे उतर आया, हमारे कम्युनिटी में 1000 निर्भया होते हैं, पूरा देश कहाँ था, पूरा देश कहाँ था भाई? मेरे खिलाफ मेरा रेप हुआ है, ये देश कहाँ था? अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 बजे एग्जाम के पहले मैं बाहर बैठी हूँ और 3 लड़के मेरा फॉलो कर रहे हैं 10 बजे पूरे आम सबके सामने, कोई नहीं आया, मैं कानून पढ़ रही हूँ, पुलिस लोग मेरे सामने आते भी नहीं हैं, पुलिस लोग, डॉक्टर लोग सब बोलते हैं आपका रेप कैसे हो सकता है, लड़कियों का रेप हो तो सब बोलते हैं कि भारत की बेटियों को हम बचाएंगे, बोलते हैं ना BJP वाले बोलते हैं, हमारी भी रेप होती है भाई, ट्रांसजेंडर कानून में रेप का कहाँ है? तो सब अपने बोलने के लिए, अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है ना भाई, हम आपके लिए वोट नहीं देते ना, हम आपके खिलाफ हैं, तो इसीलिए आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना है तो खेल लो, क्या फर्क पड़ता है? तो सी हमारे खिलाफ शोषण होता है, हमें यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं किया जाता, आज भी मेरा डॉक्यूमेंट मेल है, ट्रांसजेंडर या महिला नहीं है, तो इसीलिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सर्वाइव कर रही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में। जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट महिला या ट्रांसजेंडर में बदलता है डॉक्यूमेंट, उस दिन उससे कई ज्यादा मेरे खिलाफ शोषण होगा और भेदभाव होगा, अभी भी हो रहा है। पहले तो डॉक्यूमेंट बदलने ही दे देंगे, उनके कानून, उनके रूल्स, उनके नियम बहुत ही भेदभाव वाले नियम हैं, और अगर मैं गलती से बहुत प्रिविलेज लूँ, बहुत मुश्किल से मैं कर भी लूँ, उसके बाद भी नहीं करने देंगे हम। आप सिंपल सा सवाल, आपके यूनिवर्सिटी में हम ट्रांसजेंडर कहाँ हैं? आपके अस्पताल में हम ट्रांसजेंडर कहाँ हैं? आपके संसद में हम ट्रांसजेंडर कहाँ हैं? नहीं हैं, हम कहीं पे भी नहीं हैं। हम ट्रांसजेंडर हैं तो हमें बर्तन धोने के लिए भी आप अंदर नहीं अलाउ करोगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि पहले तो हम सेक्स वर्क करते हैं, टोली बधाई करते हैं, हम भीख मांगते हैं, और ये सब करना गलत है। ये सब करना क्यों गलत है भाई? हमें कुछ और जॉब नहीं देते हैं तो यही तो जॉब है हमारे लिए, और क्या करेंगे हम?
थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला विरोधी ये सरकार, विकास विरोधी ये सरकार, दलित विरोधी ये सरकार, जय 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 भीम, जय सावित्री जय भीम, खाकी चड्डी की सरकार, गाय गोबर की ये सरकार, शिक्षा विरोधी ये सरकार, जय 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 जय।